नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पी के अग्रवाल है। आई एम ए इंस्पिरेशनल स्पीकर, ए हेल्थ मोटिवेटर एंड ए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने का हमें शौक है, नशा है। प्रकृति का और भक्ति का नशा, दो ही नशे अच्छे हैं। तो आज हम प्रकृति का नशे के बारे में बात करेंगे कि पैदल कितना चलें, कैसे चलने की आदत बनाएं और क्यों चलें। क्यों का जवाब जो है ना, बहुत ज़रूरी है कि पैदल चलने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे चलें, कितना चलें, क्यों चलें, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ सोई हुई चेतना जागेगी। और अगर अभी तक हम नहीं चलते हैं, सोच ही रहेंगे कल से जाऊंगा, कल कभी नहीं आता, आज करें, तो हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हम सैर करना शुरू करेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट पेशेंट बन गए हैं, हार्ट का स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है कि आप सैर करना शुरू करें, घुटने में दर्द शुरू हो गया है, कमर में दर्द शुरू हो गया है, हम जैसे हड्डी के डॉक्टर बोलते हैं कि आप भाई साहब घूमना शुरू करें, पैदल चलना शुरू करें। और पैदल में भी मॉर्निंग वॉक ही बोलते हैं, इवनिंग वॉक का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि सुबह की जो हवा है वो ताज़ी है, प्योर है, उसमें ऑक्सीजन है, जो आपके पोल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट्स, डस्ट काफ़ी कम होता है, वो काफ़ी फ्रेश हमारे फेफड़ों के लिए अच्छी है। तो मॉर्निंग वॉक क्यों करना चाहिए, क्यों का जवाब पढ़े लिखों को चाहिए। कैसे अपनी आदत सुधारें, सोच तो बहुत दिन से रहे हैं लेकिन होता नहीं है, क्या करें, क्यों करें, कैसे आदत सुधारें और क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले होता था, पहले के ज़माने में बोलते थे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, पल में परलय हो जाएगी फिर कब करेगा, पहले जल्दी। आजकल क्या चल रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालते हैं हम चीज़ों को। कल करे सो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों, ऐसे ही जीवन निकल जाता है, घुटने घिस जाते हैं, कमर की हड्डियां बढ़ जाती हैं, पेट भार आ जाता है, दिल के मरीज बन जाते हैं, फिर जब चलने लायक थे तो चले नहीं, जब चला नहीं जाता तो डॉक्टर कहता है, तो फिर हम कहते हैं हमसे तो चला ही नहीं जाता। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे से तो घुटने में कमर में दर्द इतना है, चला ही नहीं जाता जी, मैं क्या करूं, मैं चलना चाहता हूं लेकिन मेरे से चला नहीं जाता। तो ऐसी नौबत ना आए कि चला ही ना जाए। अब हम चलने लायक हैं तो चलना चाहिए, चलेंगे तो चलने लायक रहेंगे। 11 नंबर की गाड़ी बोलते हैं इसको, आजकल हम स्कूटी पे जाते हैं, स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, घर के आसपास भी अगर जाना है, लोकल बाज़ार में जाना है, ट्यूशन पढ़ने जाना है, कोचिंग के लिए जाना, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्कूल आधे किलोमीटर पे है, तो स्कूटी बच्चे प्रेफर करते हैं, लेडीज़ भी स्कूटी लेने यूज़ करने लगी हैं। हमारा ये मानना है, हम जो करते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं, आसपास जाना है तो पैदल जाते हैं। तो हम बात करेंगे क्यों, पैदल चलने से फायदे ही फायदे, फायदे का सौदा। समय ज़्यादा नहीं लगता, गाड़ी में जाएंगे तो पार्किंग ढूंढने की दिक्कत, पार्किंग में इतना समय वेस्ट हो जाता है, क्यों चलें। उससे आपको गैस की समस्या अगर बनती है, जो कि आजकल काफ़ी कॉम आम बात हो गई है, गैस, गैस्ट्रिक, बहुत से लोगों गैस की समस्याएं हैं, करोड़ों रुपए की गैस की दवाइयां बिक रही हैं, करोड़ों रुपए की, कई फार्मा वाले आते हैं कह रहे हैं जी 100 करोड़ की कंजम्पशन है गैस की दवाइयों की, पूरे भारत देश में महीने में मान के चलो 100 करोड़ गैस की दवाई लोग खाते हैं। तो गैस कम बनेगी अगर हम पैदल चलते हैं, तो उससे एसिडिटी जो हमारे बनती है वो कम हो जाएगी, नंबर 1। घुटनों में ग्रीस बनेगा,
हड्डियों में कैल्शियम बनेगा, कब्जी की समस्या अगर रहती है वो कम होगी, पेट साफ होने लग जाएगा सुबह उठते ही, पैदल चलेंगे पांव आंतड़ियों में भी मूवमेंट आएगा तो कब्जी खत्म होगी, है ना फायदे का सौदा। चलने का बहाना ढूंढना चाहिए, जब मौका मिले पैदल निकल जाएं, चप्पल में थोड़ा अवॉइड करें, स्पोर्ट्स शूज में चलें जब भी मौका मिले, लेदर शूज भी अवॉइड करें, पेंसिल हील ना पहने लेडीज। गैस कब्ज में फायदा, घुटनों में ग्रीस, कमर की हड्डी का भी दर्द कम होता है चलने से, गर्दन में भी दर्द कम होगा, जब हम चलते हैं तो कंधे भी चलते हैं तो हमारी गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है, कमर की भी हो रही है, घुटनों की भी हो रही है, सारे जोड़ों की एक्सरसाइज हो रही है, सारी हड्डियों की हो रही है, पूरी होल बॉडी मूवमेंट, पूरा शरीर का मूवमेंट हो रहा है चलने से। हमारे सेंसर्स, हमारे शरीर में सेंसर लगे हुए हैं, थर्मोस्टेट लगा हुआ है, रेगुलेटर लगा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, उसमें जो कार्बन जमता जा रहा है लगता जा रहा है उन पुर्जों पे, हमारे जो सेंसर्स हैं खराब हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता। तो पैदल चलने से पसीना भी निकलता है, शरीर के अंदर की सफाई भी होती है, टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, जब हम थोड़ा तेज चलते हैं या जॉगिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो हमारे लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेते हैं, तो उससे हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, केमिकल्स टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं पसीने के जरिए, सांसों के जरिए, लंबे गहरे सांस लेते हैं हम लोग और सांसों को बाहर निकालते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाती है। सर्दी में सर्दी कम लगती है, गर्मी में गर्मी कम लगेगी, गर्मियों में एसी का यूज़ कम जरूरत पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। अगर आपने सुबह आधा पौना घंटा अपने शरीर को दे दिया, ब्रिस्क वॉक करें, शुरुआत में जब भी आप करें काफ़ी दिन के बाद, आप कभी जाते नहीं, आदत नहीं है, तो आप शुरू में जो गलतियां पेशेंट करते हैं, डॉक्टर साहब मैं कल गई थी जी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया जी, मैं तो ज़्यादा चक्कर काट लिए जी, जोश जोश में होश खो दिया जी, ऐसी गलती ना करें। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाएं, चप्पल में ना जाएं, नंबर वन। नंबर टू, धीरे धीरे शुरू में दो चार दिन तो बस वहाँ टहलना है जाके, आपको थोड़ा वहाँ दो चार दिन, हम कहते हैं कि वहाँ जाके बैठ जाएं, आप बैठ के आप नज़ारा देखें, पक्षियों की चहचाट, चिड़िया की चहच, कोयल की कुकू को सुने, मन भी खुश होगा उससे चलने से। मॉर्निंग में पार्क में जाएंगे आप, ऑक्सीजन मिलती है, फ्री में मिलती है, ऑक्सीजन या तो पार्क में मिलती है सुबह या फिर आईसीयू में मिलती है, आईसीयू की ऑक्सीजन बहुत महंगी होती है, या फिर पार्क में, दो ही जगह मिलती है ऑक्सीजन। तो आप थोड़ा थोड़ा चलना शुरुआत करें, जाके बैठ जाएं शुरुआत में, थोड़ा थोड़ा दो चार दिन आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलें। जिनको दर्द है कमर में घुटनों में, शुरू में थोड़ा दर्द बढ़ भी सकता है, तो हम उनको ये समझाते हैं कि आप 50 कदम चलें, बैठ जाएं, बेंच बने होते हैं ना, तो बैठ जाएं धीरे धीरे, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपके शरीर के हिसाब से चलें, जितना आपका शरीर अलाउ करे, जितना आपके घुटने अलाउ करें, जितनी कमर अलाउ करे, बट चलना तो पड़ेगा ही। ज़्यादा दिक्कत है घुटनों में कमर में, 60 साल उम्र हो गई, वजन ज़्यादा, तो आप छड़ी का इस्तेमाल करें, स्टिक लेने से सपोर्ट मिलता है, घुटनों के ऊपर लोड कम पड़ता है, कमर पर जोर कम पड़ेगा। और आप 30-35 साल के हैं, थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हुआ है, तो आप जाएं, शुरू में दो चक्कर काट के बैठ जाएं, 5-7 दिन के बाद 3 चक्कर काट के बैठें, फिर 3.5 करें, 10 मिनट के बाद बैठ जाएं, 15 मिनट बाद बैठ जाएं, धीरे धीरे, जैसे गाड़ी को हम फर्स्ट गियर में शुरू करते हैं फिर सेकेंड गियर लगाते हैं ना, काफ़ी लोग जो गलती करते हैं, गैरेज में से गाड़ी निकली और सीधा थर्ड गियर लगा दिया, सीधा जाएंगे जॉगिंग करने लग जाएंगे पहले दिन ही, और फिर वो तकलीफ बढ़ जाती है, 4-5 दिन बेड रेस्ट करते हैं, और फिर वो थोड़ा सा जो जील एक मन में इच्छा शक्ति जगी थी करने की कुछ, फिर वो दोबारा से डाउन हो जाता है, फिर वो छोड़ देता है। तो इसलिए ध्यान, हमने ये फायदा बता ही दिया, क्यों करें, कैसे करें, शुरुआत करें, बिगिनिंग इज हाफ डन, शुरुआत करेंगे तो आपका ही फायदा है। रात को प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान मैं सुबह, मेरे को थोड़ा जल्दी उठा देना, अलार्म को क्लॉक लगाएं, भगवान प्रार्थना करके सोएं, सोच के सोएं, तो धीरे धीरे आपकी बायोलॉजी की क्लॉक काम करने लग जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो आप सुबह अपने आप नींद खुल जाएगी आपकी, फिर अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसों को अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग 4:30 उठ जाते हैं, 4:30, 4:15। तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें, रात का खाना जल्दी से जल्दी खाएं, कम से कम खाएं, तभी आप सुबह उठ पाएंगे। क्यों, आपने समझ लिया, फ़ायदे का बात है कि
कि भी गैस नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगी, घुटनों में ग्रीस बनेगा, ताकत आएगी, फ्रेशनेस रहेगी, पूरा दिन आप चार्ज रहेंगे, बॉडी की क्लिंजिंग होगी, चेहरे पे भी चमक आएगी, मोटापा कम होगा, जोड़ मजबूत होंगे, हार्ट के लिए भी अच्छा है। दिल 24 घंटे धड़कता है, दिल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे धड़कता हूँ, तुम क्या ये मेरे लिए 40 मिनट चल नहीं सकते? तो दिल अच्छा काम करेगा। क्यों का जवाब आपको मिल गया, फायदे की बात भी पता लग गई। अब कैसे के लिए आप शुरुआत करें, प्रार्थना करके सोए भगवान से, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी तो आप पार्क में जा पाएंगे। उसके लिए उसका अभी आप ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कृपा जिसके होती है वही जा पाता, अदरवाइज तो आप कल के टालते रहते जब तक हार्ट अटैक ना आ जाए, जब तक घुटने घिस ना जाए। तो आप शुरुआत के लिए भगवान से प्रार्थना करें, रात को जल्दी सोएं, रात को थोड़ा सा जल्दी खाना खाएं, कम से कम खाएं। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लेट नाइट हैवी डिनर को कैसे सुधार करें, क्या क्या चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए, कितना खाना चाहिए, रात को कैसे आदत सुधारें, रात को जो हैवी खाते हैं, जल्दी लेट खाते हैं, तो उसको ज़रूर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप शुरुआत तो करें, प्रार्थना करें, एक दो यार दोस्त बना लें, अनुज जी को बोलें कि मेरे को फ़ोन कर देना, मैं अपने घर पे आ जाना, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे, साथी ढूंढें। एक दो अगर आपके साथी हैं, ग्रुप बनाएं, ग्रुप में आपको मोटिवेशन मिलेगी कि यार हम जाएंगे, बस एक दो यार दोस्त को ढूंढें जो अड़ोस पड़ोस में रहता है, जो आपके घर पे आ जाए, उठा दे आपको, कभी आप उसको उठा दें, कंपनी मिल जाएगी, बातें भी करेंगे, जॉगिंग भी करेंगे। शुरुआत में पैदल चलें, धीरे धीरे चलें, थोड़ा थोड़ा चलें, बीच बीच में रेस्ट ले लें, धीरे धीरे थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएं। और आप जवान हैं, थोड़ा सा जान आगे 10-15 दिन हो गए, तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लाइट जॉगिंग भी कर सकते हैं, बस ज़्यादा रनिंग ना करें। हमारा देश गर्म देश है, तो ज़्यादा रनिंग करने से हमारे घुटने पर जोर पड़ता है, वात ज़्यादा होती है तो घुटने घिसते हैं। और रनिंग अगर करनी भी है तो आप कोशिश करके घास पे करें या कच्चे पे करें, ट्रैक पे करें, मिट्टी वाली जो ट्रैक है या घास है कच्चे पे ही करें। अगर करनी भी है तो मैं तो करूँगा जी रनिंग, मुझे तो करनी है जी, मुझे तो जल्दी से जल्दी वजन घटाना है जी, कोई बात नहीं, बट पक्के पे रनिंग ना करें। शुरुआत में रनिंग से ना करें, शुरुआत में नॉर्मल वॉकिंग, देन ग्रेजुअली ब्रिस्क वॉक, देन जॉगिंग, जॉगिंग रेस्ट, धीरे धीरे आप थोड़ी बहुत रनिंग भी कर सकते हैं। और बाद में 40 मिनट से ज़्यादा वॉक ना करें, 30-40 मिनट की वॉक इज़ गुड इनफ। अगर आप गुड़गांव नोएडा जाते हैं, दूर जाते हैं, 8 बजे ऑफिस पहुँचना होता है, तो आप 20 मिनट जाएँ, हफ्ते में 2 दिन जाएँ। वर्किंग लेडीज़ के लिए दे शुड डू इट इन द ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, वो वीकेंड्स पे करें, सैटरडे संडे वो करें, यूटिलाइज करें, उस दिन तो सोचते हैं घर का ही काम कर लें आज, लेकिन अपने शरीर के लिए भी करना ज़रूरी है। वो वीकेंड्स एंड हॉलीडेज़ का इस्तेमाल करें, जो लोग कॉरपोरेट्स में हैं, बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, या वर्किंग लेडीज़ हैं, तो वो वीकेंड्स एंड हॉलीडेज़ पे करें, अदरवाइज घर में कुछ कुछ आसन करें। पैदल चलने से पूरा इंजन मजबूत होता है, हार्ट के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे, फ़ायदा का सौदा। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट अपने शरीर को देना ही चाहिए। हमारा वीडियो कुछ अलग, कुछ नया, छोटी मोटी बातें हमेशा की तरह, आम आदमी की गलतियां, समस्याएं जो कि हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अच्छा लगा तो है ही, लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को कि क्यों चलना ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक के क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे अगर पता लग गए तो हमें समझ में जल्दी आएगा, और कैसे शुरुआत करें, शुरुआत में क्या क्या गलतियाँ इंसान करते हैं, वो हमें गलती नहीं करनी है, तो हमें वो शुरुआत करनी है। तो क्यों भी समझा हमने, क्यों चलना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ायदे क्या क्या है उससे समझ में आ गया, और कैसे शुरुआत करें, कैसे करें, प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल है। रात को थोड़ा सा जल्दी खाना खाएं, कम खाएं, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अद्भुत ज्ञान, एक्सपीरियंस, 20 ईयर्स एंड रियल नॉलेज, जो कि हम खुद भी अमल करते हैं, वही चीज़ ज्ञान दे रहे हैं हम, जो खुद किया, सीखा, उससे फ़ायदा हुआ, वही ज्ञान आपको दे रहे हैं। जो चीज़ हम नहीं करते वो हम ज्ञान नहीं देते हैं, वो नहीं बोलते हैं, किताबों से पढ़ के रट के हम नहीं बोलते हैं, हम जो बोलेंगे दिल से बोलेंगे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल लाइफ एंड हेल्थ बाय डॉक्टर PK को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।